गुजरात के अक्षरधाम मंदिर का आप लोग नाम तो जरूर सुने होइएगा। यहाँ पे बिहार के गोपालगंज में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर का टू कॉपी पंडाल बनाया जा रहा है। देख सकते हैं पीछे जो कारीगर लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे सब लोग गुजरात का अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। पंडाल बनाया जा रहा है, भव्य पंडाल, राजा दल के द्वारा, जो गोपालगंज के राजा दल है उन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। लगभग एक महीने से ज्यादा से काम चल रहा है, अभी तक काम पूर्ण नहीं हुआ है। काम पूरा होता है 2 महीना 2.5 महीना काम लगातार चलता है, उसके बाद काम पूरा होता है। यहाँ पे बहुत सारे मजदूर आए हुए हैं काम करने के लिए, जो कि बिहार के नहीं है, बिहार से बाहर के जो पंडाल बनाने के लिए आए हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। एक बार दिखा दीजिएगा, यहाँ पे चारों तरफ बांस ही बांस रखा हुआ है। ये इस पंडाल को बनाने के लिए हजारों हजार बांस का आवश्यकता है। यहाँ पे बात करते हैं कि कितना बांस का लागत है, कब से ये लोग बना रहे हैं, कहाँ से आए हुए हैं, तमाम सवाल है मन में, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आइए, लोग जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि काम कर रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों से बात करते हैं कि कब से काम कर रहे हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, कितना पैसा लेते हैं, बहुत सारा सवाल है, इनसे बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भैया काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया, क्या नाम हुआ? रमेश। रमेश कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, अच्छा, कब से काम कर रहे हैं? काम तो हम लोग यही पे 20-25 दिन से कर रहे हैं। अच्छा, 20-25 दिन से। कितना दिन में पूरा हो जाएगा ये पंडाल? अभी 2 महीना। 2 महीना लगेगा? अच्छा अच्छा कितना लागत आता है इसका? वो तो ठीक से जानकारी नहीं है, फिर भी वही 50-60 लाख के आसपास होगा। अच्छा, 50-60 लाख के आसपास में लग जाएगा। अच्छा, मतलब अभी 2 महीना और लगेगा? अभी 2 महीना। 2 महीना मतलब आप लोग का कितना पेमेंट मिलता है एक दिन का? वो तो ये तो 500-600 रुपए ऐसे। 500-600 रोज में? अच्छा, रोज में। बिहार कैसा लग रहा है? बिहार तो ठीक ठाक ही है, बिहार का क्या बताएंगे। बिहार अच्छा है? भोजपुरी आता है कि नहीं? थोड़ा बहुत आते है। अच्छा, कैसन बानी? भोजपुरी आते मतलब समझ में आते, बोल नहीं सकते। अच्छा, बोल नहीं सकते हैं, मतलब भोजपुरी पसंद है भाषा? हाँ, भाषा तो हर कोई भाषा पसंद है। यहाँ का बिहार का लोग कैसा लगता है? बिहार का लोग सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, और लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप भी बंगाल से हैं? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? फारूक। कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। इधर वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हैं। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं आप? 20 दिन से। सब लोग साथ में आए हैं? एक ही बार? अच्छा, इसका मेन मतलब के है इसमें आप लोग के टीम के? अच्छा, मेन अभी तक आया नहीं है। अच्छा, हमको। अच्छा, शाम को मतलब सब लोग कारीगर में है, वो डिजाइन बना बताते हैं, उसके हिसाब से आप लोग काम करते हैं। हाँ, हाँ। कितना चार्ज है आप लोग का एक दिन का? वो 500-600 रुपया हो जाता है। 500-600 रुपया। अच्छा, अगर दूसरा कोई बनवाना चाहे ऐसा पंडाल तो बन सकता है? अच्छा, उसके पहले कितना देर पहले ऑर्डर करना पड़ता है? 2-3 महीने से पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। अच्छा, अभी मतलब अभी कितना दिन और टाइम लगेगा इसमें? 2 महीना लगेगा। 2 महीना और लगेगा? हाँ। तब जाके तैयार होगा? हाँ। पूरा सेम? हाँ, पूरा सेम ही। अच्छा, कौन मंदिर के मतलब डिजाइन बन रहा है ये? वो गुजरात का क्या मंदिर है? अक्षरधाम। क्या बन रहा है? गुजरात का मत्स्यधाम मंदिर है। अच्छा, उसी का मतलब मंदिर यहाँ पे बनाया जा रहा है? हाँ। अच्छा, देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। चाचा भी है, क्या नाम है चाचा? इधर उत्तम। कहाँ से हैं? बंगाल से। अच्छा, सब लोग बंगाल से हैं? सब लोग बंगाल से। अच्छा, कैसा लग रहा है बिहार? बिहार तो अच्छा लग रहा है। काम करके बिहार में अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना दिन से आप लोग आते हैं यहाँ बिहार में? बिहार में आता है यही तो 20 दिन आता है। अच्छा, पहले आया नहीं? हर साल आते हैं आप लोग? नहीं नहीं, हर साल हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए? अच्छा, कितना दिन में रेडी कर दीजिएगा मंदिर को? मैं दोनों लगभग 2 महीना। 2 महीना पंडाल को बनाने में, मंदिर का डिजाइन बनाने में लगेगा? कौन मंदिर का डिजाइन बन रहा है? वो गुजरात का अक्षरधाम मंदिर। अच्छा, अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे, क्या नाम आप बताए हैं? अच्छा, क्या नाम? फारूक। स्वरूप। 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 हाँ। अच्छा, हिंदू है कि मुस्लिम है? हिंदू। अच्छा, हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है, सब हिंदू है। सब हिंदू है? अच्छा, आइए देखिए यहाँ पे भी और सारे लोग काम कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ बांस ही बांस आपको दिखाई देगा,
जब मंदिर का ओरिजिनल खूबसूरत खूबसूरती उस समय आपको दिखाई देगा, जिस समय बनकर तैयार हो जाएगा उस समय भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको दिखाया जाए मंदिर के बारे में, इस डिजाइन के बारे में बताया जाए कि कितना, और बहुत सारे लोगों के मन में ललचा रहता है कि हम भी इस प्रकार का मंदिर बनवाए लोगों के मन में, लेकिन उसके बारे में भी जानकारी देंगे जब मंदिर बन जाएगा पूरा, जब कंप्लीट हो जाएगा तैयार हो जाएगा कैसा लगेगा। आ जाइएगा इधर, थोड़ा सा बात करते हैं चाचा से। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है चाचा? श्रीकांत। श्रीकांत श्रीकांत कहाँ से है श्रीकांत जी? बंगाल से। बंगाल से? बंगाल। ममता दीदी? हाँ ममता दीदी। अच्छा बिहार कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बिहार? भोजपुरी अच्छा लगता है? कैसन बानी? ठीक बानी। ठीक बानी, वाह चाचा भोजपुरी भी बोलत बानी। अच्छा कब से काम कर रहे हैं चाचा? एक महीने हो गया। एक महीने हो गया? हाँ। अच्छा देखिए चाचा बांस पहुंचा रहे हैं ऊपर। अच्छा दिन भर में कितना बांस पहुंचा देते हैं? 100। वाह देख सकते हैं बुरारी में भी अभी यंग वाला मतलब एकदम फुर्ती है। यहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, अंदर आ जाइएगा एक सेकेंड। अंदर भी ना 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 गिरी नहीं, नहीं नहीं ना गिरेगा। देख सकते हैं अंदर भी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो है कि प्लाई का जो है कि पट्टी रखा हुआ है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ मंडल। हाँ सौरभ मंडल। गाना गाना बंद कर, गाना गाना बंद कर। यहाँ पे भी काम कर दे रही है, देख सकते हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनसे भी बात करना। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ मंडल। सौरभ मंडल कहाँ से है? कोलकाता। कोलकाता अच्छा, यहाँ बिहार कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा लग रहा है। कितना दिन से आप हैं यहाँ? डेढ़ महीना। डेढ़ महीना से हैं? अच्छा मतलब कब जाना है घर पे? घर पे जाएगा दिवाली का बाद। दिवाली बाद? अच्छा तब तक यहीं रहना है? नहीं दूसरा जगह जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद दूसरे कहीं। बिहार कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा भोजपुरी आता है कि नहीं? नहीं नहीं आता है। समझ में आता है कि नहीं? समझ में नहीं। समझ में भी नहीं आता है। अच्छा बिहार का लोग कैसा है? अच्छा है बहुत। अच्छा है। अच्छा कितने लागत से बन रहा है ये मंदिर? वो तो हम लोग इस साल नया आया ना, पहले जो काम करता है अच्छा वो लोग को पता होगा। अच्छा देख सकते हैं सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे मंदिर को, मंदिर के निर्माण के लिए जोरदार मेहनत कर रहे हैं सब लोग। यहाँ से नहीं है, कोलकाता से सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे बनाने के लिए। पूरा मंदिर के हम लोग बीचों बीच खड़े हैं, एक बार दिखा दीजिएगा। पूरा जो है कि बांस ही बांस दिखाई दे रहा है आपको, जब खूब ओरिजिनल खूबसूरती तब पता चलेगा जब इस मंदिर का निर्माण कंप्लीट जब हो जाएगा, उसके बाद आपको खूबसूरती का पता चलेगा किस प्रकार से अक्षरधाम का 2 कॉपी बनाया जा रहा है। हालांकि विश्वास है ये लोग कॉपी बनाएंगे एकदम अच्छा से, मंदिर की तरह दिखाई देगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो लोग भी दुर्गा माँ को मानने वाले लोग हैं, माता को मानने वाले लोग हैं, सब लोग शेयर कीजिए। लगभग में सब लोग मानते हैं, सब लोग शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय दुर्गा माई।